राहुल ने ए और बी नामक दो योजनाओं में चक्रवृद्धि ब्याज पर दो बराबर धनराशियों का निवेश किया। योजना ए में ब्याज दर 10% वार्षिक थी और योजना बी में ब्याज दर 12% वार्षिक थी। राहुल को 2 वर्षों बाद योजना ए में निवेशित धनराशि का ब्याज मिला 1,050 रुपये। यदि दोनों योजनाओं में ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता हो तो राहुल को 2 वर्षों बाद योजना बी में निवेशित धनराशि पर कितना ब्याज मिलेगा? 10% की वैल्यू पर ब्याज मिला 1,050 रुपये वार्षिक सीआई से और 12% वार्षिक सीआई से उसी धनराशि पर, सेम जो धनराशि है, 2 वर्षों में कितना ब्याज मिलेगा ये बताना है। 4 ऑप्शन दिए हैं, 1,722 रुपये, 1,270 रुपये, 1,272 रुपये और 1,372 रुपये। दस प्रतिशत वार्षिक को सीआई से 2 वर्षों के लिए करेंगे तो 10 + 10 + 10² / 100% 100 / 100 = 1% 21%। तो 21% की वैल्यू हमें गिवन है 1,050 रुपये। अब 12% के ऊपर उसने जो वैल्यू मिलनी है 2 वर्षों में, वो 12 + 12 + 12² / 100% 12² = 144/100 1.44 ये हो गए 25.44%। ये वैल्यू हमने बतानी है, 21% की वैल्यू गिवन है, 25% 0.44 ये वैल्यू हमने बतानी है। 21% से ये कितना ज़्यादा है? 4.44%। ये वैल्यू हमने फाइंड करनी है। जब 21% की वैल्यू 1,050 रुपये है तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? इसको 21 से भाग कर दो, 21 × 5 = 5, 50 रुपये। 1% की वैल्यू 50 रुपये है तो 4.44 की वैल्यू कितनी हुई? 50 से गुणा कर दो, 50 × 2 = 200, 0.44 का करो तो 22 रुपये। तो ये हो गए 222 रुपये। अब 222 रुपये एक्स्ट्रा मिले हैं उसको 12% पर। 1,050 और 222 को जोड़ दो, 1,212, 50 और 22 = 72, 1,272 रुपये। ऑप्शन नंबर सी ये हमारा आंसर है। ओके दोस्तों।